व्हाट्स अप गाइस। तो देखो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ये वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया है 5 kg मास इट इज रेज बाय डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर बाय वर्टिकल फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। अब पूछा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास इफ इट वॉज ओरिजिनली एट रेस्ट। सो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना दिया है? जीरो। तो मतलब मैं इस ब्लॉक को पहले ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे एक ब्लॉक है और 5 kg। अब इस ब्लॉक को उठाया फोर्स वर्टिकल फोर्स से बाय 4 मीटर। तो यहाँ पे 4 मीटर उसको ऊपर उठाया हुआ है और यहाँ पे जो फोर्स लगा इट इज ऑफ 80 न्यूटन। तो 80 न्यूटन का फोर्स मैंने ऊपर लगाया हुआ है। अब यहाँ पे मुझे बताया इसका FBD निकालूंगा तो और कौन सा फोर्स आएगा? ग्रेविटी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड और उसकी वैल्यू होगी 5 × 10 दैट इज MG विच इज 50 न्यूटन। ठीक है, तो ये होगा मेरा अप्लाइड फोर्स, ये होगा मेरा ग्रेविटी और इन फोर्स के वजह से बेसिकली ब्लॉक ऊपर जा रहा है बाय 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास। मतलब लेट्स से ये ब्लॉक इधर पहुंचने के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो यहाँ पे मुझे मेरा काइनेटिक एनर्जी फाइनल पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे कौन से फोर्सेस है? यहाँ पे फोर्स है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स विच इज 80 न्यूटन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विच इज जीरो। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी इसका जीरो है। अब यहाँ पे देखो वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा? ये होगा 80 × 4 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज 80 × 4 विच इज 320 जूल्स। राइट, देन वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस, बिकॉज ग्रेविटी नीचे है डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो माइनस 15 × 4 विच इज -200 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो ये हो गया मेरा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू विच इज कितना? 120 जूल्स। तो ये कितना इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे मुझे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डायरेक्टली मुझे काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है और यहाँ पे मैंने यूज किया वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन।